सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को पहले आज के सेशंस की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हैवेंस, दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। सर्कल पार्टिसिपेंट्स अग्री टू लिसन विद कंपैशन एंड क्यूरियोसिटी, ऑनर ईच अदर्स यूनिक वेज ऑफ हीलिंग एंड डोंट प्रिज्यूम टू एडवाइस और फिक्स और ट्राई टू सेव ईच अदर। होल्ड ऑल स्टोरीज शेयर्ड इन द सर्कल कॉन्फिडेंशियल। ट्रस्ट ईच ऑफ अस, वी हैव द गाइडेंस वी नीड विद इन अस एंड वी रिलाई ऑन पावर ऑफ साइलेंस टू एक्सेस इट। इसी के साथ मैं आप सभी लोग आपके बारे में भी बताना चाहूंगी, ये ऐप जरूर चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट और बाकी कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। एंड मैं सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं श्रीधर जी, जो कि एक ब्लड कैंसर कैगिवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मिस्टर श्रीधर्स वाइफ वॉज डायग्नोज विद स्टेज 4 नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इन जनवरी 2020, विच लेटर रिलैप्स एज स्टेज 4 क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया इन जुलाई 2021। शी अंडरवेंट कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी एज द मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज विच हेल्प बूस्ट हर इम्यूनिटी स्ट्रेंथ वाइल एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द वैल्यूएबल लेसन दैट मिस्टर श्रीधर लर्न थ्रू हिज केयरगिविंग जर्नी। ही विल ऑल्सो डिस्कस हाउ पॉजिटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प देम स्टे स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट देयर प्रोसेस। एंड मिस्टर श्रीधर विल ऑल्सो एडवाइस हिज केयर गिवर्स टू रिमेन विजिलेंट एंड अटेंटिव टू देयर पेशेंट्स, इंश्योरिंग दैट दे रिसीव द बेस्ट केयर पॉसिबल। तो हम लोग आज का सेशन सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू आस्था, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम श्रीधर है, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ और हम लोग बॉम्बे के वासी हैं। वैसे तो साउथ के हैं पर अभी नवी मुंबई में रहते हैं काफ़ी सालों से, अभी 25 साल हो गए हैं। तो हमारी तो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे हमारी जिंदगी बदल गई। बदल गई माने करवट आया उसमें, ठीक है। तो हम हर साल एनुअल मेडिकल करते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव मेडिकल चेकअप होता है, जो ये फोर्टिस और बड़े बड़े अस्पताल करते हैं, वो हम हर साल करते हैं। दैट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस हमारे लिए। मार्च 2019 में भी हमने ये किया था नियमित रूप से, और उसमें कोई भी वेरिएशन कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। और मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि भाई तुम्हारा रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट से बहुत बढ़िया आता है, उसका काफी कड़क नॉर्मल रेंज में उसके सब पैरामीटर्स आते हैं। तो हम लोग का ऐसा थोड़ा चलते रहता है। तो उस मार्च को 2019 को हमारा रिपोर्ट एकदम क्लीन था, सबके बढ़िया रिपोर्ट्स थे उसके खासकर, और फिर दुनिया एकदम नॉर्मल चल रही थी हमारी दिसंबर तक। दिसंबर के पहले वो तकरीबन 7-8 हफ्ते हिमालय में जाके अपना समय व्यतीत करके अपने योग के कार्यक्रम वगैरह सब उन्होंने अपना जो नियमित रूप से उनका होता था हर साल उसने वो किया उन्होंने, और दिसंबर में वापिस आई। दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोग वैष्णो देवी चल के गए और वापिस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग, मैं बता रहा हूँ तारीख के साथ बताता हूँ आपको, हम लोग 1 तारीख दिसंबर को निकल गए वैष्णो देवी के लिए, पूरा चढ़ाई किया माता रानी के, वहां रुके, फिर अपना भैरव किया, भैरव करके वापिस आए। सब चल के, हमने कभी जिंदगी में कोई माने हेलीकॉप्टर ये वो कुछ यूज नहीं किया, नॉर्मल पेस में चल रहे थे, नॉर्मल पेस में, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, आराम से वापस आ गए। 6 तारीख को वापस आ गए घर में। फिर वो गई तिरुवन्नामलै, विच इज इन तमिलनाडु। तो वहां पे एक शिव का बड़ा मंदिर है, बड़ा पर्वत है जिसे शिव का स्वरूप माना जाता है, तो उसके लिए वो गई। वहां से वो वापस लौटी भी नॉर्मल थी,
और शाम को वापस लौटी तकरीबन 12 या 13 तारीख को, एकदम नॉर्मल खाना खाया सो गए। 14 तारीख को अगले सुबह उठे तो उनके राइट माने दाहिने राइट हाँ राइट राइट साइड आर्मपिट के अंदर उनको लंप सुबह प्रकट हुआ। ठीक है, तो वहां से हमारी जिंदगी थोड़ी करवट लेने लगी। फिर हमने उसका जांच वांच करवाया थोड़ा। January 28, 2020 को कंफर्म हुआ कि उनको कैंसर है। पेट स्कैन 29 जनवरी को हुआ जिसमें पता चला कि ये काफी जगह फैल चुका है, और बायोप्सी हुआ दो फरवरी को बायोप्सी हुआ जिसका रिपोर्ट 7-8 दिन में आता है। वैसे उन्होंने बता दिया था कि ये शायद ब्लड कैंसर ही होगा, कहीं उस हिसाब से दिख रहा है। वहां पर बायोप्सी का रिपोर्ट आया, बोन मैरो का रिपोर्ट भी आया था, तो उसमें निकला कि ये दिस इज स्टेज 4 नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, विच इज दैट व्हाट इज इट कॉल्ड लार्ज बी सेल डिफ्यूज लार्ज बी सेल नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 4 एंड द बोन मैरो वाज इन्वॉल्वड। सो द डॉक्टर्स वो लोग ने कहा, हम लोग बैंगलोर में थे तभी उस वो टाइम पे, तो उन्होंने बैंगलोर में डॉक्टर्स ने कहा, हम वी वेंट टू अ वेरी रेप्यूटेड कैंसर हॉस्पिटल कॉल्ड HCG which is known for a very aggressive treatment of cancers as a line of as a concept. So वहाँ पे हम लोग जब बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो हम लोग बहुत जल्दी aggressively treat करना चाहेंगे। तो हमारे वहाँ से तो हमने पूछा क्या चलेगा, तो उन्होंने कहा सीधा सीधा केमोथेरेपी चलेगा और कुछ नहीं चलेगा इनका। तो इनको हर 4 हफ्ते में 14 घंटे का लगातार कीमो देते थे और वो चला 11 साइकिल्स। तो माने हम लोग का फर्स्ट साइकिल हुआ था शायद एंड फेब और अर्ली मार्च। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओके, तीन साढ़े तीन हफ्ते के बीच में साइकिल रिपीट होता था। तो 11 कीमोथेरेपी के साइकिल हुए, वेरी एग्रेसिव कीमोथेरेपी साइकिल्स उनके हिसाब से। और उसमें जैसे हम लोग पेट स्कैन करते गए हर 3-3 महीने में, तो पता चलता था कि वो कुछ उसका असर भी दिख रहा है, थोड़ा रिडक्शन हो रहा है, उसका फुटप्रिंट कम होने लगा, उसका फैलाव कम होने लगा। और फिर नवंबर में हमको बताया गया था कि ये भाई अभी काफी हद तक काबू में है, इसको हम रेमिशन कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमको एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी दिया उन्होंने कि दिस इज शी हैज बीन ट्रीटेड एंड बेस्ड ऑन अ लास्ट पेट स्कैन रिपोर्ट ये अभी इनको रेमिशन कह सकते हैं। तो जैसे हमने रेमिशन रिपोर्ट देखा तो हमने कहा कि यार अभी तो ये एक हिसाब तक तो हम लोग कहीं पहुंचे हैं, एक पड़ाव पे पहुंचे हैं, KBC के लैंग्वेज में अगर बोले तो कुछ पड़ाव पे पहुंचे हैं हम लोग। तो फिर हमने बोला फायदा उठाते हैं, अभी चलो हम लोग बुरिया बिस्तरा समेटते हैं और वापस घर चलते हैं। बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक गोइंग बैक होम टू योर ओन प्लेस, यू नो, कम्फर्ट रहता है, अपना घर में रहते हो, थोड़ा शांति रहती है। तो हम इमिडिएटली फेब्रवरी में हम लोग ने पूरा सामान शिफ्ट कर लिया, वापस अपने घर पहुंच गए नवी मुंबई। एंड नो प्रॉब्लम, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर हमने सोचने लगा कि यार यहाँ तो आ गए हैं, रेमिशन तो आ गया है, पर इसका कि कोई फॉलो अप होना है तो बार बार हम लोग बैंगलोर जाए आए तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ एन चैलेंज टू ट्रैवल। हमारे घर के पास में टाटा का हॉस्पिटल, जब मैं पास में बोलता हूं तो किसी भी वक्त में मैं 15 मिनट में टाटा हॉस्पिटल पहुंच सकता हूँ बॉम्बे में, मेरे घर के पास एक ही रास्ता है, सीधा आए बाहर निकले दाएं मुड़े सीधा रास्ता पकड़ा, वहां पे टाटा हॉस्पिटल है। तो हमने बोला चलो टाटा हॉस्पिटल में जाके अपना केस हिस्ट्री दिखाते हैं और अपना रजिस्टर करते हैं, ताकि अगर कुछ कोई बोले कि यार 6 महीने के बाद एक बार पेट स्कैन कराना है या कुछ रेगुलर फॉलोअप कुछ करना होगा तो रहेगा। तो वहां गए तो पहले तो उन्होंने कहा क्या क्यों आते हो तुम लोग यहाँ पे, यार आते क्यों, सब नॉर्मल है, क्यों आ रहे हो। तो हमने कहा यार हम तो रजिस्टर करने आए हैं और हमने
उसने मेल में वापस रिप्लाई भी किया, बोला ये मेरा ट्रीटमेंट बता रहे हैं, तो बोला हाँ बिल्कुल सेटिक बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कीजिए। तो मैंने वो डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने बोला ये हम लोग यहाँ आए हैं, अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो बोला हाँ यहाँ पे आप जाके आप अपना केस फाइल दिखाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, वो देखिए क्या बोलते हैं। तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे, पहले तो उन्होंने कहा क्यों आते हो, फिर उन्होंने कहा यार ऐसे हमने बात किया था तभी, और वापस मैंने फॉलोअप जब उनसे मेल भेजी थी उन्होंने एडवाइस किया कि आपसे एक बार मिल लें देख लें क्या होता है। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर हमने, उन्होंने कहा फिर एक्सेप्ट करने से मेरे को आपके रिपोर्ट्स नहीं, मेरे को वापस रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल्स की एक पेक्यूलरिटी होती है कि हर हॉस्पिटल अपने रिपोर्ट को वो सही मानते हैं। तो उन्होंने वापस पेट स्कैन कराया और वापस उन्होंने बोन मैरो का भी बायोप्सी किया, और जो पुराना बायोप्सी था ब्लॉक जिसे कहते हैं पैराफिन ब्लॉक जो मिलती है, वहां से भी हमने मंगा के उनको दिया कि ये हमारा पुराना जो फरवरी में किया था बायोप्सी उसका ब्लॉक भी हमने दिया, और अभी ये ब्लॉक उन्होंने नया भी कराया। उसमें पता चला कि देयर इज एन अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसका मैनिफेस्टेशन ये लिम्फोमा था पहले, जो एकदम बड़े रूप में बाहर भर के बाहर आया, पर वो जब हमने उसको कंट्रोल करी तो पता चला कि एक्चुअली बेस लाइन में था वो CLL था, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया था, वापस वो स्टेज 4 था और काफी जगह पे प्रकट हुआ वो वापस जिंदगी में। और तो इन्होंने कहा कि भाई इसका हम लोग वहां पे, एक फायदा मेरा टाटा में ये हुआ कि उन्होंने वापस उसका जेनेटिक सिक्वेंसिंग का भी काम किया, जो हमने सैंपल्स उन्होंने बायोप्सी के निकाले। तो जब जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया गया था तब उनको पता चला कि शी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू केमोथेरेपी, माने जो नॉर्मल जो लाइन होती है ट्रीटमेंट की, जो उन्होंने हमसे बताया भी था कि ये पहले अगर रिटोक्सीमैब के साथ कुछ और दे रहे थे, तो अभी उन्होंने कहा रिटोक्सीमैब के साथ आपको बेंडामुस्टिन देंगे, विच इज अ नॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर CLL कीमोथेरेपी, पर उन्होंने कहा इनका रिस्पॉन्स टू दैट विल नॉट बी वेरी हाई, शायद 25-30% का उनका रिस्पॉन्स आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसमें इसको कोई फायदा नहीं है, सो वी विल नॉट डू द कीमोथेरेपी। उन्होंने कहा लेट अस वेट एंड सी। वेट एंड सी का एक इशू ये था कि ये टाइम में जब उन्होंने ब्लड टेस्ट करी थी तो इनका कैल्शियम बहुत हाई था, द कैल्शियम हैड क्रॉस्ड 13-14 लेवल्स, नॉर्मली इट इज अ रेंज ऑफ 10.2 और समथिंग इज द अपर लिमिट, तो इनका 14 तक चला गया था। तो दे वांटेड द कैल्शियम टू कम इन कंट्रोल फर्स्ट, तो उसके लिए शी वाज इन एडमिटेड फॉर सम टाइम टू गेट दैट कैल्शियम इन कंट्रोल। वो कैल्शियम कंट्रोल आने के बाद उन्होंने फिर हमसे टारगेटेड कीमोथेरेपी की बात कही, जिसमें आज हम एवरी डे शी इज ऑन ओरल कीमोथेरेपी, माने टैबलेट लेती है हर दिन 420 मिलीग्राम्स का, विच इज द करंट नोन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंसर। और अभी वो सितंबर 2021 से चालू हुआ है ये टारगेटेड कीमोथेरेपी, अभी वी आर इन 23 नाउ, फेब्रुअरी 23, मार्च 23 नाउ वो चालू है। और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि, तो हमने पूछा कि कितना देर चलेगा, क्या चलेगा, क्या है, तो उन्होंने बोला जब तक आप हो तब तक ये टैबलेट आपके साथ है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यू नो आवर लाइफ हैज बिकम लाइक दैट ऑफ अ डायबिटिक, अभी आपको शुगर की बीमारी है तो आप जब तक जी रहे हो आप गोली खा रहे हो, उसको टाइट कर रहे हो और उसको आराम से जिंदगी जी रहे हो, मजे से, कोई टेंशन नहीं ले रहे हो, सुबह का शाम का दोपहर का एक टैबलेट अंदर जाता है और आप लगे हुए हो जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा भी वही सिचुएशन है आज के तारीख में। हाँ वो स्टेज 4 है, स्टेज 3 है, स्टेज 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको अपने जहन में लाता ही नहीं हूँ। वो स्टेज 4 स्टेज 5 स्टैटिस्टिक्स है, रहता है उनके पास, उनके मेजरमेंट है, वो रहने दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं। आई हैव टूडे सेड दैट आवर प्रॉब्लम इज इक्वल टू द प्रॉब्लम ऑफ अ डायबिटिक और somebody suffering from high blood pressure और cholesterol, उसको medicine लेना है हर दिन और अपना जिंदगी बिताना है, बस और कुछ नहीं है।
ये जो अप्रोच हमारा है ना, ये अभी आया है, बट ये जो पहले बार जब हमसे हमारा जो पहली बार जब मैंने वी हैड द डायग्नोसिस 2020 में, हम दोनों पढ़े लिखे हैं इन दैट सेंस, बोथ ऑफ अस आर एमबीएस, बोथ ऑफ अस वर वर्किंग इन वेरी लार्ज कंपनीज, तो हमको ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं चलता है या हमको मालूम नहीं है क्या नहीं है, पर हमने डिसाइड किया कि हमको इस रोग के बारे में ज्यादा जानकारी लेना नहीं है। गूगल माता बहुत ज्ञान देती है, बोर होता है तो गूगल में जाओ, आपको हजार पेज मिलते हैं, पन्ने बहुत मिलते हैं, यू गेट अ मिलियन ऑफ पेजेस ऑन दिस डिसीज, बट देयर इज नो पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीज बिकॉज दैट इज नॉट माय लाइन ऑफ कॉम्पिटेंस। हमारा कॉम्पिटेंस है उससे जूझना, एंड हियर इन द माइंड, नोवेयर एल्स। सो आई डिसरिगार्ड द प्रॉब्लम ऑल टूगेदर इन सेइंग दैट इज द डॉक्टर्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैंने डॉक्टर को भी यही बात कही जब मैंने उनको पूछा पहली बार, कि उन्होंने बोला कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो हमको जितना नॉर्मल जीके होता है उसे पूछा मैंने, तो कौन सा स्टेज है, प्रोग्नोसिस क्या है, शब्द यूज किया मैंने। डॉक्टर हंसा, बोला उससे आपको क्या मालूम पड़ेगा। मैंने बोला ये बात सही है, तो मुझे कुछ जानना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये बताओगे कि कब ये खत्म हुआ, बस तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आज तक हमने वही लाइन पकड़ी है, हमने कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं बोला वो आपका हेडेक है, मेरा नहीं है। तो पहली चीज जो एज ए केयर गिवर और एज ए कैंसर पेशेंट, द फर्स्ट थिंग दैट जो हमको काफी हमको यूज में आया, जो हमको काफी मदद किया है, ये बात है कि हम अपना दिमाग ज्यादा खपाते नहीं है इस रोग के बारे में जानकारी लेके। मेरे को उसमें पीएचडी नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है उसको जान के। हाँ ये है, तकलीफ है, इसको हैंडल करना है, उतना ही। जो मेडिकेशन देते हैं उस बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा जानकारी लेते हैं, पता चले कि उस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ताकि वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। तो कैंसर के बारे में ज्यादा सोचना मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा नहीं है किसी को भी। ये है, रहने दो, कोई टेंशन मत लो आप, उसके अपने अपने हिसाब किताब हैं, होते हैं, होने दीजिए। एक आपको इसका एक डिफरेंस जो है विद अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस, विद द लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक डायबिटीज और अदर थिंग्स, आपको इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो आपको इन्फेक्शन बहुत हो सकते, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा घर में, खाने में, हर जगह पर। तो उसको छोड़ के और कुछ आपको देखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे ट्रीटमेंट के, विच आर मोर रिलेटेड टू इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। आपकी इम्यूनिटी इतनी इतनी कमजोर हो जाती है कि मैं अभी लेटेस्ट का आपको एपिसोड बताता हूं कि मुझे गले में खराश हुई, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और थोड़ा माइल्ड सा वायरल भी हो गया था जनवरी में। वो मेरा 7 दिन में खत्म हो गया, आया चला गया, सब हो गया। मैं अपने आप को अलग कमरे में रखा, अपने आप एक ही घर में है पर मैं अलग कमरे में रखा, मेरी पत्नी अलग कमरे में सोती है, उनका अलग है, उनको अलग कमरे में सुलाया, सब किया, पर फिर भी वो फैला। उनको लगा, उनको भी थ्रोट इन्फेक्शन आया, लकीली फीवर नहीं आया पर थ्रोट इन्फेक्शन आया। 22 दिन लगे उनको उसको कंट्रोल में लेके आने के लिए मेडिकेशन लेने के बावजूद। और मेडिकेशन लेने का एक और प्रॉब्लम है, आपको जो नॉर्मल मेडिकेशन दिए जाते हैं आपको अपने डॉक्टर से उसको दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा मेडिकेशन आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के मेडिसिन से कोई मेल खाता है। आई एम टॉकिंग अ सिंपल थिंग लाइक पेंसिलिन, amoxicillin, whatever you call that, okay? जब हमने बात किया तो बोला हाँ ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, 5 दिन लीजिए फिर बंद कर दीजिए, स्टैंडर्ड थिंग। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रॉस चेक विद द डॉक्टर व्हाट मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू यू, शुड यू टेक इट और नो, एंड वंस दे से यस ओनली देन टेक इट। पर टाइम बहुत लगता है, देखिए 20 दिन लग गए उनको, 20-22 दिन लग गए उनको खराश बाहर निकलने के। तो हम लोग ज्यादा घर के बाहर जाते नहीं है, जब जाते नहीं है का मतलब ये है कि यू आर प्रोन टू इन्फेक्शन, राइट? तो जितना हम लोग अपने आप को
घर में रखते हैं और स्टेराइल रखने की कोशिश करते हैं, नॉट टू मच स्टेराइल, ओके. ज्यादा स्टेराइल रखते हो तो भी तकलीफ होती है. लाइक कोई आदमी ने कहा कि अरे कोविड आ गया है तो घर में एक आयोनाइजर रख, उससे क्या होगा कि आपका अंदर का वातावरण प्योर हो जाएगा. अब प्योरिटी का लफड़ा भी अलग है भाई, आप एक बार प्योर की आदत पड़ गई, थोड़ा भी हवा आया, धूल आई, मिट्टी आई, तो आप फिर बीमार पड़ सकते हो. तो इसलिए आप नॉर्मल रहिए, पर एक्सपोजर विद पीपल थोड़ा कम कीजिए. सो दैट हेल्प्स यू इन कीपिंग योर पेशेंट रिलेटिवली कंफर्टेबल. दूसरा चीज है कि आपका जो खाने पीना का जो तरीका होता है, स्टाइल ऑफ ईटिंग, दैट हैज टू कंप्लीटली चेंज. ओके, तीखा बिल्कुल चलता नहीं, और ये आपका बॉडी खुद बोल देता है आप कि आप तीखा नहीं खा सकते. थोड़ा भी एक दिन ज्यादा एक तेज मिर्ची लग गई तड़के में तो तुरंत आपके मुंह में छाले आ सकते हैं, या आपके टंग के ऊपर एक थोड़ा छोटा सा एक हल्का सा फोड़ी आ सकता है, छोटा सा जो भी है. और वो लोग बहुत उसका बहुत वो लोग क्या बोलते हैं, दे गेट वेरी डिस्टर्ब व्हेन दे सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द माउथ. तो ये ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम लोग मिर्ची एकदम कम करते हैं. माने जो पहले खाते थे अगर वो स्केल में देखा जाए तो हार्डली 10% पे है हम लोग. जितना हो सके उतना कम तीखा खाते हैं. तेल ज्यादा से ज्यादा कम खींचिए, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए आसान है और कुछ नहीं. आप योर ऑर्गन्स आर नॉट अंडर स्ट्रेस इफ यू हैव स्लाइटली मोर यू नो कुक्ड फूड देन फ्राइड फूड्स. फ्राइड तो आप माने भजी तले हुए चीज वो सब तो आप बंद कर दीजिए, उसमें कोई चलता नहीं है काम. और आपको भी पता चल जाता है कि आपका बॉडी इज मच बेटर व्हेन यू हैव दीज थिंग्स अदर देन दैट. हमारे लिए एक और कॉम्प्लिकेशन है हमारे सिचुएशन, इनका कैल्शियम हमेशा बढ़ा रहता है. ये डिसीजेस, ये एक इनकी ल्यूकेमिया की एक सिम्टम है, दैट योर कैल्शियम इज ऑलवेज हाई, योर कैल्शियम इज नेवर इन कंट्रोल. सो विच टेल्स अस दैट सम ऑफ द नॉर्मल फूड्स दैट यू टेक विच आर रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम रिच फूड होते हैं वो हमको अवॉइड करना पड़ता है. और हमारी दुविधा अलग है यहाँ पे. 11 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद इनको इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, हड्डियां टूट गई इनकी, रीढ़ की हड्डियां टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है इनको 1.5 साल पहले. 1.5 साल पहले पलंग पे ये मुड़ना, इनको करवट लेना भी इनको बहुत तकलीफ हो रहा था. पर वो अभी धीरे धीरे अपने आप से धीरे 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 वो रिजॉल्व हो रही है. अब ऑस्टियोपोरोसिस का पहला चीज वो बोलते हैं कि भाई कैल्शियम सैंडोज लेना चालू करो, अगर आपको जानकारी है ऑस्टियोपोरोसिस की. और हमारा ये सिचुएशन ये है कि भाई ये कैल्शियम आपका हमेशा ब्लड में हाई रहता है क्योंकि आपका केमिया की वजह से, तो हमको कैल्शियम अवॉइड करना है. सो हमारे लिए इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और कितना हम बॉडी पे जोर देते हैं. बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रेजाइल बॉडी नाउ इन दैट सेंस. इनका जो सिचुएशन था उसके हिसाब से अब ये कभी भी फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर. शी विल नेवर बी एबल टू बेंड डाउन और डू नमस्ते डूइंग दिस एंड ऑल, वो सब बंद हो गया. नीचे नहीं बैठ सकती, फ्लोर पे नहीं बैठ सकती, ठीक है, कभी भी इनका हड्डी का टूटने के वजह से. बट देन सो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू मोर रेस्ट्रिक्शंस कि आप कितना आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हो नहीं देते. कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए ये लोग एक स्टेरॉइड देते हैं इनको हर महीना, जोलेंट्रोनिक एसिड. जब आप कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट से आप मिलते हो और कहते हो कि यार ये है तो आप सोलेंटोनिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हो क्या, तो वो कहता है हाँ साल में एक बार ले सकते हो. आप साल में एक बार देते हैं सोलेंटोनिक एसिड, ज्यादा से ज्यादा. यहाँ पे मेरी मिसेस को हर महीना वो आईवी इंजेक्शन देते हैं, हर महीना, वो सिर्फ कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ काम नहीं करता है वो. उसके साइड इफेक्ट्स इतने बुरे होते हैं कि इन्होंने 16-17 किलो वेट गेन किया है. 60 किलो की थी, 60,
अभी 76 हो चुकी, शी 76 नाउ, शी कांट डू मेजर एक्सरसाइजेस इन लाइफ, इफ शी कांट कंट्रोल हर वेट, उसके रीढ़ के हड्डी पे और प्रेशर बढ़ता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारे जिंदगी में जो हम जिससे जूझ रहे हैं. तो कैसे जूझ रहे हैं, मैंने ये थोड़ा आपको थोड़ा विस्तार में बताया ताकि आपको समझ में आए कि क्या पर्सपेक्टिव होता है एक 3 साल के ट्रीटमेंट के बाद आदमी का क्या हाल होता है और क्या हम लोग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. आप लोग ने किया भी होगा, आप लोग काफी साल से आप लड़ भी रहे हैं. पर जो हमारा सिचुएशन था, हमने बोला कि हम इससे कैसे जूझे क्या. तो पहला चीज जो हमको सबसे बड़ा भगवान की मेहरबानी रही है हम पे, ये है कि मेरी मिसेस एक योगा टीचर है, बाय द वे उन्होंने 12 साल योग का अध्याय किया है, माने बकायदा अध्याय की पढ़ाई की है, लिखाई की है, उन्होंने परीक्षा पास की है, उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है, हिमालय में जाके उन्होंने योग विद्या सीखी है गुरुओं से, और वो खुद अपना योग का स्टूडियो चलाती थी जहां पे वो कैंसर के पेशेंट्स को भी ट्रीट करती थी. उनके लिए स्पेसिफिक योग का एक नियमित प्रोग्राम बना के उनको बोलती थी कि ये आप करो तो इससे आपको फायदा होगा कि कैंसर की लड़ाई में. तो बड़े मजेदार चीज की बात ये थी कि जब पहली बार डायग्नोसिस आया तो लोगों ने कहा, अरे आप तो योग करते हो, आपको कैसे आ गया ये बात. हमारा पहला रिएक्शन ये था कि भाई इसको योग था तो आया नहीं आया का इश्यू नहीं है, इसको योग था तो ये शायद इससे जूझने में इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नो बैटलिंग द डिसीज इज मच बेटर और हैंडलिंग द डिसीज इज मच बेटर. ये नियमित रूप से प्राणायाम करती है, पिछले 3 साल से उन्होंने एक भी चीज छोड़ा नहीं है, स्पेशली थिंग्स लाइक प्राणायाम. अभी तो इनका कमर का प्रॉब्लम आ गया तो सूर्य नमस्कार बंद हो गया, लेकिन आपको बता दूं कि जुलाई 21 तक वो सूर्य नमस्कार भी करती थी हर रोज. जब हॉस्पिटल में इनका कीमोथेरेपी चल के आईवी लाइन लगा रहता था, बिस्तर पे वो अपनी योग साधना करती थी बैठ के. तो वो उनको बहुत हेल्प कर रहा है आज के तारीख. और प्राणायाम में आपको ये बता दूं कि आज जब आप उनका फिजिकल मोबिलिटी काफी कम हुआ है, थोड़े आसन तो बंद हो गए हैं, थोड़े आसन ही उनको प्रोबेबिलिटी है और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हुए, उनका वेट गेन की वजह से भी तकलीफ हो रही है. तो उनको आज अगर एक चीज जो उनको बहुत फायदेमंद उनको लग रहा है तो वो ये है कि वो नियमित रूप से रोज प्राणायाम करती है, वो नियमित रूप से रोज मुद्रा करती है. मुद्रा है उसमें, देयर इज समथिंग कॉल्ड मुद्रा थेरेपी. ओके, वो नियमित रूप से रोज प्राणायाम करती है, मुद्रा करती है, नियमित रूप से वो जप करती है रोज, आपका मंत्र जाप जिसे कहते हैं, रोज नियमित रूप से मंत्र जाप करती है. उनका खाना पीना तो पिछले 15 साल से बहुत ही नियमित था, माने मेरा काफी उस हिसाब से आई कैन से दैट मेरा काफी खराब हालत रहता था खाने पीने के मामले में, बट वो बहुत ही डिसिप्लिन थी. ये ऐसा नहीं है कि 2 साल से हम लोग सुधर गए, वो 15 साल पहले से सुधर गई इन दैट सेंस. तो काफी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रहा है उनका, काफी डिसिप्लिन उनका. वो रोज 4 बजे उठ के अपना कार्यक्रम का दिनचर्या सब चलता है उनका, वो 4 बजे नहीं हो रहा है, 5-5:30 बजे उठती है वो और अपना काम करने का कोशिश करती है. प्राणायाम होता है, मंत्र जाप होता है, फिर मुद्रा होता है, तो ये सब वो करती है. उससे उनको काफी फायदा हो रहा है क्योंकि मेंटली शी इज एबल टू बी मच स्ट्रॉन्गर, और वो मेंटली वो इतना टाइम उस पर फोकस नहीं करती है कि यार मुझको क्या हुआ है. ये डाउट सबको आता है, या हमको भी आता था और काफी बार आया है कि ये मेरे को क्यों हुआ है, ये हमारे साथ क्यों हुआ. ये तो इट इज वेरी नेचुरल यार, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, हम लोग रिटायर हो चुके थे. आपको ये भी बता दूं, हम लोग बहुत एग्रेसिव लाइफस्टाइल था हमारा, कॉर्पोरेट वर्क स्टाइल था हमारा, प्रोफेशनल वर्क लाइफ था, हमने सब छोड़ छाड़ के धीरे धीरे हमने सब अपने काम कट किए. तो हमने बोला अभी मजे की जिंदगी जीने की हम लोग सोच रहे थे और ये आ गया यहाँ पे कबूतर आके बैठा हुआ है बालकनी में, अभी हम क्या करें. हमने बहुत बार ये क्वेश्चन भी हमको अपने आप से करते रहे. फिर हमने टाटा में देखा और ये बहुत ही पेनफुल है,
8 महीने की बच्चे को कीमोथेरेपी मिलता है, तो फिर हमारा क्वेश्चन पूछना तो कोई बेकार की बात है। सो हमने वो क्वेश्चन तब से पूछना बंद कर दिया 1.5 साल से, जब हमने देखा कि एक माँ अपनी गोद में बेटी को लिए है, बच्चे को लिए हुए है, और वहां पे आईवी लाइन लगा हुआ है और उसका कीमोथेरेपी चल रहा है 8 महीने के बच्चे को, तो कोई फायदा नहीं है बात करने का कि यार मेरे साथ क्यों हुआ है, तो हमने बंद कर दिया उसको बारे में सोचते नहीं है कि क्यों हुआ का बारे में तो कभी सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है इस बात, ये क्यों होता है ये किसी को पता नहीं है। आपको क्या हुआ है ये बताएंगे लोग, आपको क्या करने से इसको कम कर सकते हैं वो बताएंगे, पर आपके साथ क्यों हुआ है और ये व्हाट इज द रीजन एंड द कॉज फॉर द कैंसर, नोबडी कैन टेल यू, ओनली गॉड नोस, नोबडी एल्स नोस। तो आप कुछ फर्क नहीं, कुछ पता नहीं चला, आपको यही पता चल गया आपके सेल में ये चेंज हो गया, ये इश्यू हो गया, वो इश्यू हो गया, इसी से आपको ये आया है, पर वो इश्यू क्यों हुआ आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके बारे में सोचना मत कीजिए। Please don't spend time on this. Don't waste your time on this. Spend time productively. इनके साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं जो मेडिकेशन अभी है। हाथ पैर दुखते हैं, काफी दुखते हैं, बोन्स दुखते हैं, उनके पैर दुखते हैं। हर दिन तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर एक हफ्ता होगा तो 5 दिन को उनको सरदर्द तो रहता है, दिन में 4 घंटा 4 hours she will have a very bad headache. वो सडनली हेडेक चालू होता है, सडनली 4 घंटे के बाद गायब हो जाता है, और देर इज नो रीजन फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन दैट शी इज टेकिंग। तो आपने अपने माइंड को कैसे ऑक्यूपाई किया, फिर इन्होंने क्या किया, ये पेंटिंग भी करती हैं, तो इन्होंने एक छोटा प्रोजेक्ट लिया, बोला मैं एक छोटा पेंटिंग करना चाहूंगा, तो जो दैट 1 month जो उन्होंने पेंटिंग करी, हर दिन खाना खाया शाम दोपहर को, फिर बैठ गई और 1-2 घंटा उन्होंने वो पेंटिंग करने में अपना टाइम बिताया, तो पता चला कि जब ध्यान हट जाता है तो आपका योर एबिलिटी टू हैंडल द डिस्ट्रेस, व्हाट आई कॉल द बॉडी डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, बॉडी में जो एक पेन जो आती है उससे जब ध्यान हट जाता है तो आपको उसको हैंडल करने का जरिया मिलता है, तो आपके माइंड को डिमांड जितना हो सके उतना आप डाइवर्ट करके रखिए तो आपको फायदा होगा। हम लोग मन किया तो एक बार टीवी में सीरियल देख लिया, ज्यादा स्ट्रेसफुल देखते नहीं है, स्ट्रेस में बीपी बढ़ता है, तो हम लोग हॉरर फिल्म, थ्रिलर फिल्म सब ऐसे देखते हैं, लाइट हल्के फुल्के मूवीज देखते हैं, या कोई कोई कॉमेडी सीरियल हो गया कभी देख लिया, या कोई यूट्यूब में कोई खोल के देख लिया कुछ, या कभी ट्रैवल वीडियोस देख ली है, तो वी ट्राई टू कीप आवरसेल्फ्स एंगेज्ड इन समथिंग, जस्ट ध्यान को भटकाने के लिए, नहीं तो क्या होता है कि व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्टिविटी टू डू देन द माइंड गोज बैक, द मंकी कम्स बैक टू व्हाट यू आर करंटली गोइंग थ्रू। मेल मिलाप लोगों से कम हो जाता है, ये मैंने महसूस किया है। लोग झिझकते हैं आपसे बात करने के लिए, उनको शायद, मैं पहले सोचता था कि यार कैसी दुनिया है यार, बात करते क्यों नहीं है मुझसे लोग, क्या हम लोग अछूत हो गए हैं क्या, फिर मुझे पता धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा है कि लोग को झिझक होती है कि यार मैं क्या बात करूं उनसे, बिकॉज इट इज सच अ इट्स सपोज टू बी अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज जो बोलते हैं ना, जानलेवा जो भी बोलते हैं, जान तो कोविड ने भी ले लिया, लेकिन हमने बात करना किसी से छोड़ा नहीं है पर इससे somehow that एक ऑरा क्रिएट हुआ है कि यार कैंसर है, पता नहीं कैसे होगा, क्या बात करेंगे, फोन करेंगे तो उनका क्या हालत होगा, ये सब झिझक रहती है, तो probably people will not call you, I will give them वो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि यार शायद आप लोग में वो या आप में वो झिझक है या आप में वो दम नहीं है हमसे बात करने का, वो ठीक है, पर मैं तो बात कर सकता हूं ना,
So we, but I tried to talk to a few people only, not too many people, few people. दूसरा चीज जो हमने काफी, ये पर्सनल है, इट इज नॉट जनरल प्लीज, इट इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने और मेरे पति ने, माय वाइफ एंड आई वेंट थ्रू एंड वी फाउंड टू आवर लाइकिंग और टू आवर आवर कंफर्ट. कोविड भी आया था थैंकफुली बीच में, तो क्या आना जाना काफी कम हो गया, लोग का आना जाना बंद हो गया, कोविड है, ये है, वो है, लॉकडाउन, ये ऑल दोस थिंग्स. हमने उस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया है आज के तारीख में. तो हम बोलते हैं यार फोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, चाहिए तो आना जाना मत करो. क्योंकि मैंने देखा था कि जब आज से 20 साल पहले जब मेरी फैमिली में मेरी कजन सिस्टर थी, उनको भी कैंसर आया था और काफी अग्रेसिव आया था. वो दो साल लड़ाई किया, फिर शी पास्ड अवे. तब मैंने माहौल देखा था घर में, आके एक दरबार बैठता था घर में, 6 लोग 8 लोग आके बैठते थे. और ये लोग का, इट इज नॉट दैट दे हैव एनी बैड इंटेंशंस, आए हैं बिकॉज़ दे आर कंसर्न, बट वो जो बात होती है ना वो बहुत नेगेटिव बात होती है. जो बात, कोई पॉजिटिव बात तो कर ही नहीं रहा. कल क्या करने वाले हो कोई पूछता नहीं है, पिक्चर देखने वाले हो क्या कोई पूछता नहीं है, तबीयत कैसा है, उल्टी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वजन बहुत कम हो रहा है, आप खाना खाओ. मतलब देयर ऑल गुड वेल मीनिंग सजेशंस बट दे डोंट हेल्प द पेशेंट. वो पेशेंट को कोई, उससे कोई कंफर्ट आता नहीं है. और एक एंड द नेगेटिव एनवायरनमेंट थोड़ा ना नेगेटिव हो जाता है धीरे 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 धीरे. तो उसको अवॉइड करने का हमारा बहुत बढ़िया, कोविड भगवान की मेहरबानी है कि कोविड आया, कोविड से लोग का आना जाना बंद हो गया, सब अपने घर में सुरक्षित लॉकडाउन में रह रहे हैं. तो जो बातचीत होता है, जो फोन पे जो बातचीत होता है, तो इतना वो एटमॉस्फेयर कम्युनिकेट नहीं करता है. बॉडी लैंग्वेज एंड योर इमोशंस डोंट कम इनटू इट. यू हैव वेरी इनफॉर्मल जैसा डिस्कशन होता है. हाँ कैसे हो, हाँ ठीक हो, अच्छा आप तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा खाना खाया, हाँ खाया, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है. तो ये जो बात रहती है ना, दिस डज नॉट टॉक टू मच अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट यू आर probably going to go through. So, yeah, we found it very comfortable. हमारे लिए बहुत अच्छा लगा वो बात कि हम लोग दुनिया से हटके. जब लोग बोलते हैं कि हम आपके मिलना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, ये देखो इन्फेक्शन का लफड़ा ऐसा भी है, कोविड भी चल रहा है और इम्यूनिटी का भी थोड़ा इश्यू है, तो आप वीडियो कॉल कर लो, आप घर मत आओ. और मैं बड़े आराम से कह देता हूँ लोगों से, कोई झिझक नहीं है, कोई भी हो सकता है, वो मेरे माँ बाप हो सकते हैं या मेरे सास भी हो सकती है, किसी से भी मैं बोल देता हूँ बड़े आराम से कि बात आप फोन पे बात कर लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए. अगर कोई कोई सिचुएशन है या कोई चीज है जो मुझे बताना है, तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, उसमें आपको कोई झिझक नहीं होगी. मैं आई विल कम्युनिकेट द सिचुएशन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, डोंट वरी अबाउट. तो उससे हमको काफी कम्फर्ट मिला, हमको हमारे बीच काफी टाइम मिल रहा है, बिकॉज वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर. उनका और एक जरिया जो इनका योग का जो इनका कार्यक्रम चलता था, तो वो सडनली बंद हो गया क्योंकि इनका कैंसर चालू हो गया था. बट वेरी इंटरेस्टिंगली आवर सन इज आल्सो योगा टीचर, ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस. वो उसने वो सब बोला वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो योग करता है और वो ही इज अ मार्शल आर्ट्स टीचर आल्सो. उसने योग अपनाया है और वो अपनी योग का प्रोग्राम्स करता है. अभी जो उसकी मम्मी कर रही थी वो अभी वो खुद करता है, वो पांडिचेरी में बैठ के करता है बाय द वे. बट ये लोग ने क्या किया कि बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस, ये लोग ने एक मॉड्यूल बनाया बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंस एंड हर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग योगा एंड अंडरस्टैंडिंग योगा ऑफ कैंसर, योगा विद कैंसर, हाउ टू डू, हाउ व्हाट योगा टू डू फॉर कैंसर एंड कैंसर पेशेंट्स. तो उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है उसके लिए. अब वो मेरा बेटा वो टीच करता है लोगों को. सो रिसेंटली देयर वाज समबडी वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर इन सिंगापुर एंड दे समबडी इन हिज फैमिली इज एक्चुअली योगा स्टूडेंट ऑफ माय सन. तो उनको पता चला तो उन्होंने फिर फोन किया, पूछा भाई ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस. तो वो वहां पे वो हेल्प कर रहा है. तो एक चीज होता है कि एक पेंटिंग से थोड़ा ध्यान इनका थोड़ा बढ़ जाता है,
कभी एक योग विद्या में जो इनको मॉड्यूल बनाने का है या कुछ करने का, स्पेसिफिकली नाउ विद कैंसर एज अ सेंटर ऑफ फोकस, उसका मॉड्यूल बनाना हो या उसका कंटेंट बनाना हो. और ऑफ कोर्स माय सन डज द एग्जीक्यूशन, वो क्लासेस लेता है, वो टीच करता है वो सब, पर मॉड्यूल बनाने में उसकी मम्मी के साथ बैठ के वो सब बनाता है, तो उससे थोड़ा टाइम हट जाता है, थोड़ा टाइम हम लोग टीवी देख लेते हैं, उसमें चला जाता है. एक सनराइज से दूसरा सनराइज आज के तारीख में ना, अपने आप को कितना आप एंगेज रख सकते हो आप उसको रखिए. हाँ, ये भी होता है, देर आर डेज वेन यू नो द बॉडी इज नॉट डूइंग वेल. किसी दिन सुबह उठे, पता चला सुबह उठते ही सुस्ती महसूस होती है, शी फील्स वेरी वीक दैट डे. उस दिन शी इज प्रॉब्ली गिव ऑर टेक कन्फाइंड टू द बेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. खाना खाने ले आती है, अपना खुद का काम करती है, जो करती है, बस अदरवाइज शी इज कन्फाइंड टू बेड. सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, एंड एज अ केयर गिवर इट इज योर ड्यूटी टू ऑब्जर्व द पेशेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट प्रॉबेबली इज फीलिंग एट दैट पॉइंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन अ माइनर चेंज इन द कंडीशन इफ हैंडल्ड अर्ली कैन मूव टू सम कैन सेव द सिचुएशन समटाइम्स. वो मैंने आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. आप भले मैं किचन में हम लोग बैठ के मैं अपना खाना बना रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो एक कान तो इधर पड़ा रहता है कि क्या कर रही है. अगर मुझे बाहर आया, देखा कि यार रूम में नहीं है, टेबल पे नहीं है, कहीं नहीं है, तो पहले ढूंढता हूँ कहाँ गई. एंड इफ शी इज इन द वॉशरूम तो मैं नॉक करके जरूर पूछ लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है. तो ये जो हम लोग, इट इज नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट यू डू इन योर हाउस, बट दिस इज समथिंग दैट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ यू एवरी टाइम. इन द नाइट जब वो उठती है, कभी भी टू यूज द वॉशरूम, टॉयलेट जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो उठती है तो आपका इतना तो अवेयरनेस रहना चाहिए कि शी इज गेटिंग अप. ये हो सकता है कि कभी चलते चलते रात को अंधेरा रहता है थोड़ा, रात को कभी वो थोड़ा शी कैन फॉल्टर ऑल्सो ना, ऐसा नहीं, थोड़ा स्लिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका एक हाफ अवेयरनेस तो रहना चाहिए कि उठ रही है. तो दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू मेंटेन दैट, आई मीन एज अ केयर गिवर हाउ डू यू मेंटेन दैट? The first thing is that you cut out as much of your engagement with work-related engagement को आपको कम करना पड़ेगा. अगर if you are the sole caregiver, अगर आप अकेले हो जो इससे आप जूझ रहे हो as a caregiver, you have no choice. You have to cut down your involvement with worldly activities. ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा. ये मैंने खुद मैंने देखा हुआ चीज़ है. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मेरा सुबह का 2 घंटे का मेरा कार्यक्रम रहता है, हाथ धो के फिर मेरा जाप, मेरा मंत्र, मेरा जो पूजा पाठ जो भी रहता है वो मेरा करता हूँ. 7-7:30 बजे तक मैं फ्री होता हूँ उससे, 7-7:30 बजे फ्री होता हूँ. फिर हम लोग का सुबह का उनको मैं काढ़ा देता हूँ, हम लोग दोनों काढ़ा पीते हैं. एक आयुर्वेदिक काढ़ा है जो हमने कोविड के टाइम में डिस्कवर किया था. एक फूड प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, तो उस फूड प्रोग्राम में उसने कहा कि एक काढ़ा जो होता है वो आपको इन्फ्लुएंजा, ये जुकाम और जो वायरल जो होते हैं उनसे आपको बड़ा अच्छा आपको हेल्प करता है, तो इसको आप करिए करके. एक फूड प्रोग्राम में हमने, बाय द वे वी वर वॉचिंग द फूड प्रोग्राम, वी सॉ दैट, तो उसको रेसिपी हमने कॉपी कर ली और वो रेसिपी को हम लोग तब से यूज कर रहे हैं. तो सुबह का हम लोग का वो काढ़ा बनता है, पाउडर बना के रख लिया तो काढ़ा बन लेते हैं, काढ़ा बन जाता है. उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होती है, तो बाय 9:30 तो ब्रेकफास्ट सब खत्म होके हम लोग फ्री होते हैं. फिर अगर कुछ छोटा मोटा शॉपिंग का करने का काम होगा या कुछ सब्जी वब्जी का काम, फ्रूट्स जो भी है वो देख लो, फिर थोड़ा गैप मिलता है 1-1.5 घंटे का, शायद काम वाली आके काम करके चली जाएगी या जो भी होगा घर का काम. फिर 11-11:30 बजे आपको खाना बनाना पड़ता है, 1 घंटा. खाना तो बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है. माने आई वुड लाइक टू टेल ऑल द वुमेन हियर दैट खाना बनाना कोई
कोई बड़ा चीज नहीं है, ऐसे मुझे महसूस हुआ 3 साल के बाद। 1 घंटे में खाना बन जाता है 2 लोग का आराम से, और तो 1 घंटा काम 11:30 से आपने चालू किया, आराम से 12:30-1 बजे तक खाना बन जाता है। 1 बजे आपने खाना खा लिया, आपने एक एक डिसिप्लिन से, एक टाइम से, 1-1.5 बजे तक, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया आपने दोपहर में, थोड़ा लेट लिया या कुछ किया, फिर आपको टाइम भी मिलती है आपको कुछ अपना खुद का कुछ काम करने के लिए या कुछ अपने एक्टिविटीज करने के लिए, या बैठ के बीवी के साथ आपने चेस भी खेल लिया या कोई गेम कर लिया या कोई टीवी देख लिया। तो आपका दिन काफी पैक्ड रहता है ऐसे इस हिसाब से। और जिस दिन आपको हॉस्पिटल में जाके आपका फॉलोअप रहता है तो उस दिन तो आई कॉल द बेबीज डे आउट, बिकॉज यू गो इन द मॉर्निंग एंड यू आर यूजुअली बैक ओनली आफ्टर 2 o'clock इन द आफ्टरनून। उतना टाइम लग जाता है आपका, नॉर्मल फॉलोअप है, कुछ नहीं है, ब्लड टेस्ट करके दिखाना है, रिपोर्ट दिखा के आपका जो भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेना है वापस आना है, वो वेटिंग टाइम होता है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सो आई फाइंड दैट कोविड हैज बीन अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग टू मी। आई वाज रिलेटिंग एन इंसिडेंट टू समबडी द अदर डे, आई थिंक आस्था वाज आल्सो, आई थॉट आस्था आल्सो दैट उनका एक बार ना सेप्सिस शॉक हो गया था, ब्लड में इन्फेक्शन चला गया था। और क्यों चला गया था, क्योंकि वो लोग जो एक समथिंग कॉल्ड अ कीमोपोर्ट जो अंदर डालते हैं कॉलर बोन के नीचे, जिससे आपका कीमोथेरेपी होता है, वहां पे पाइप अटैच करके कीमोथेरेपी आपको चढ़ाया जाता है, वो इन्फेक्ट हो गया, वो जाता है सीधा आपके हार्ट के ब्लड लाइन में, द लाइन गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट। तो शी सफर्ड अ सेप्सिस शॉक, लकीली इन द आफ्टरनून खाना खाने के वक्त इनका बीपी 110/70 से 90/60 कब हुआ और 70/40 कब हुआ, पलक झपकते उनका बीपी ऐसा गिर रहा था जैसे पत्थर गिरता है। और हमने जब हॉस्पिटल फोन किया था तो उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके उसे आईसीयू में लेके आइए, आईसीयू में बेड रेडी है, नीचे स्ट्रेचर रेडी है। जो नॉर्मल डिस्टेंस हमको लगता था ना, तो मिनिमम 45-50 मिनट लगता है घर से हॉस्पिटल जाने का, तब का बात कर रहा हूं मैं, बैंगलोर में कोविड लॉकडाउन में वी रीच द हॉस्पिटल इन 12 मिनट्स। 12 से 15 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में थे, 20 मिनट के अंदर वो आईसीयू में अंदर थी, उसके मॉनिटर लग गए थे, एंड शी वाज ऑलरेडी सिंकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो कोविड तो मेरे लिए बहुत मेहरबानी हुई है इस बात की, आई एम वेरी थैंकफुल दैट देयर वाज कोविड, आई कुड सेव माय वाइफ बिकॉज ऑफ दिस। ओके, बट जो चीज आपको ये सिखाती है कि आपको 10 मिनट भी उनके ऊपर ध्यान हटाना मुश्किल होगा, और इसी की वजह से मैं कहता हूं कि यू शुड फोकस ऑन द पर्सन ऑलवेज एज अ केयर गिवर। एंड दैट व्हाट इज माय वर्क टुडे, माय वर्क इज टू कीप हर अलाइव, नॉट बिकॉज आई नो मेडिसिन, बिकॉज आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर इन टर्म्स ऑफ उसको क्या खाना देना है, टाइम पे देना है, कैसे देना है, क्या करना है। उसको शाम को जूस देता हूँ, आई गिव हर कोल्ड प्रेस जूस। ओके, पोमोग्रेनेट हेल्प्स, इन हर केस वी फाउंड दैट पोमोग्रेनेट हेल्प्स, बीटरूट ऑल्सो हेल्प्स, बट बीटरूट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट शी वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, तो उसको कुछ हो जाता है। तो हमने अभी पोमोग्रेनेट फ्रूट जूस पर शिफ्ट किया, पोमोग्रेनेट इज अ स्टैंडर्ड हम लोग देते हैं उसको, वो नहीं तो एप्पल, दोनों में से एक तो रहता है, कैरेट का सीजन है तो कैरेट देते हैं। तो यही काम है, और क्या काम बचा क्या है अब करने का, और कुछ नहीं करना है अब। योर वर्क इज टेकिंग केयर ऑफ अ कैंसर पेशेंट, विच इज अ वेरी क्रिटिकल वर्क। और जब ये आपके साथ, आपको उसके साथ जब आपका एक रैशनलाइजेशन हो जाता है, तो मेरे को आज के तारीख में कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर ये अगर मैं कहूँ तो कोई हंसेगा वहां से, बोलेगा क्या, पर मैं ये बोलता हूँ कि जब मेरा ध्यान तो वो डिसीज पे नहीं है, मेरा ध्यान पर्सन पे है, एंड द पर्सन इज माय वाइफ, सो व्हाट एल्स कैन बी मोर स्ट्रेस फ्री देन स्पेंडिंग दैट मच ऑफ टाइम विद द पर्सन दैट यू नो एंड यू वांट इन योर लाइफ। सो आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ द माइंड, हाउ मच you don't focus on the problem
and how much you focus and how to help the person get through the problem. कैसे आप उसको enable करते हो, कैसे उसके साथ आप काम करते हो कि वो उसे जूझने में सफल हो, ये मेरी लर्निंग रही है इतने 3 साल की. 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे तो कोई कुछ खास करने का भी मन भी नहीं करता है, कुछ है नहीं. ये बहुत बड़ी चीज है, ये हम लोग कर लेंगे आराम से. और एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, मैं ये आपको पहले ही बता दूं, सूचित कर देता हूँ. मैं ये, मेरा ये मानना है कि कैंसर फ्री जो टर्म है वो मैं इससे आई डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट समबडी कैन बी कैंसर फ्री. ओके, कैन यू बी डायबिटीज फ्री इन योर लाइफ इफ यू गेट डायबिटीज? नो, इट विल बी इन कंट्रोल, उसे और कुछ नहीं होता है. ये मैंने देखा है. आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि हम लोग हॉस्पिटल में थे, अपना वो आईवी लाइन लगा हुआ था इनका, तो उसका चेकअप कराने के लिए जाते हैं, हर हफ्ते जा रहे थे. तो उन्होंने कहा 2 मिनट बैठ जाइए, इनसे थोड़ा बात करना है. एक बुजुर्ग महिला थी, वो आई, तो उनको क्या था कि कीमोपोर्ट लगा रहे थे, कीमोथेरेपी चालू करने के लिए. तो पूछा क्या है, 1993 she was certified cancer free from breast cancer, that lady, in 1993. In 2022 it has recurred in a manner where they have now found it necessary to put a chemo port, which means there's a long line of treatment of chemotherapy that's going to start for her, that lady. ठीक है, आपका वो कंट्रोल में है, बहुत खुशी की बात है. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ द डिसीजन कंट्रोल. बट आपके जहन में ये करना कि हाँ मैं छूट गया, जैसे आपको वो फीलिंग आती है और उसके बाद अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है यार ये शायद वापस आने लगा है, तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओ. तो आई एक्सेप्ट इट यार, हाँ ठीक है यार, कैंसर आया, ठीक है, मेरे को चश्मा लग गया, आपको डायबिटीज है, ये आप एक्सेप्ट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ नहीं है. मैं बोलता हूँ, मेरी मिसेस को जब पहली बार कीमोथेरेपी दिया गया था तो उसके बाल धड़ झड़ने लगे, माने एक रात में यहां से 5 जगह से बाल कैसे क्लम्स निकल गए, मैंने निकाले. नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वर इन द हॉस्पिटल, शी शेव्ड ऑफ हर हेड, उसने पूरा अपना टकला कर दिया. लोग बोले विग पहन सकते हो, ये कहते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है यार, ट्रीटमेंट हो रही है, बाल झड़ गए, झड़ने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं टकली कर ले रहा हूँ, आई शेव माई हेड. उन्होंने पूरा शेव कर लिया. उनका कीमोथेरेपी अभी बंद है, टारगेटेड कीमोथेरेपी चालू है, उनका बाल वापस आ गया, हर हेयर हैज कम बैक, इट इज ग्रोइंग बैक एंड काफी अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ. तो ये सब बातें ना, ये दुनिया को क्या सहलाना है कि मैं यार मैं विग पहनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या करना है यार, आपका ट्रीटमेंट चालू है. कोई आपको कोई सर्दी जुकाम जैसा छोटा मोटा तो नहीं हुआ, कुछ बड़ी चीज हुई है ना, तो उसका तो ट्रीटमेंट चालू है, तो इसमें शर्मिंदगी कैसे. तो मैं ये एक चीज बोलता हूँ कि आप शर्मिंदा ना हो, आप प्लीज एक्सेप्ट करें इस बात को, और आप ये जान के चलें कि आपने एक्सेप्ट किया है तो भगवान भी आपका साथ देगा. ये हमने देखी है और ये हमने महसूस भी किया है, इससे ज्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता हूँ. तो ये हमारी जर्नी अभी तक 3 साल 3.5 साल के करीब में चली है. डॉक्टर्स कुछ भी बोलेंगे, वो लोग ने कुछ इतना टाइमलाइन, वो टाइमलाइन, इतने दिन, उतने महीने, इतने साल वो लोग देते हैं. आपको बड़े मजेदार चीज की बताता हूँ, ये जो इनका जो स्पेसिफिक जो इनका लाइन है, उनका जो कैंसर आया है, उसके एक इंटरनेशनल ग्रुप में वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक ग्रुप में वो एसोसिएटेड है, 200 लोग हैं पूरे दुनिया मिलके वो ग्रुप में. ठीक है, जो इनकी जो वो ल्यूकेमिया की जो स्टडीज के जो रिसर्च पेपर्स आते हैं उनका सैंपल साइज क्या रहता है, 4 लोग 6 लोग 8 लोग का सैंपल साइज है. उस सैंपल साइज में वो लोग हमको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अभी इतनी रहेगी, इतनी से इतनी हो सकती है, उतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है. वो क्या मायना रखता है जिंदगी में, कुछ मायना नहीं रखता है. उसको लेके मैं क्यों अपना दिमाग का दही बनाऊं, तो मैं वो सोचता ही नहीं. अब कोविड में अच्छा खासा आदमी मेरा दोस्त था, वो
दो दिन में अंदर गया बाहर निकला नहीं, बस क्या बोल सकते हैं उसको आप, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप एक्सेप्ट करिए आराम से, आप मेंटली यू बी पीसफुल, यू बी एक्सेप्टिंग दैट यस दिस हैज हैपेंड, वी विल हैंडल इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। माने मैं उसमें कोई आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनटर्न्ड, जो भी चाहिए वो कर सकते, उससे आप रहिए, आप मेंटली आप फ्री रहिए एज अ केयर गिवर, यू प्लीज कीप द पेशेंट एज कंफर्टेबल मेंटली एज पॉसिबल एंड गिव हर सम प्रोडक्टिव थिंग, यू नो उनको कोई प्रोडक्टिव चीज में इन्वॉल्व करो। कभी कभी मेरी बीवी बोलती है कि यार मैं अभी आज खाना बनाने वाली, बनाओ यार आपकी कैपेसिटी है तो बनाओ ना, क्यों क्यों नहीं बनाना चाहिए, आप बनाइए ना। तो आप उसको एंगेज रखिए और बहुत आराम से कटेगी जिंदगी। तकलीफ है, तकलीफ होगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आप जागरूक रहिए, बस उतना ही है मेरा कहना है। मैंने काफी टाइम ले लिया, सॉरी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आपने इतना अच्छे से इनफैक्ट पूरा बताया। मैं आपसे जो जो चीजें यू नो पूछना चाहती थी कि यू नो एज अ केयर गिवर आपने अपना यू नो मतलब मेंटल वेलनेस कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि कई बार टेंशन हो जाती है, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या क्या आप यू नो मैसेजेस देना चाहते हो, क्या क्या आपकी लर्निंग्स है। आपने सब कुछ इतना अच्छे से बताया, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, यू नो मतलब इससे कई पेशेंट्स एंड यू नो कई केयर गिवर्स की हेल्प हुई है। इतनी आपने अच्छे से चीजें बताई हैं, एक्सेप्ट करना इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं। एंड यू नो आपने जो बताया कि योगा कितना हेल्पफुल है, मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे बहुत फायदा होता है कैंसर के दौरान भी एंड उसके बाद में जब रेमिजन है आगे, बिल्कुल अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल जी सर, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड सर आपके लिए एक दो क्वेश्चंस हैं एंड कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द थोड़ा उसे कर लेते हैं डिस्कस। हां सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने एक्चुअली। नहीं नहीं, नो वरी सर, मैं वैसे भी आपसे सब पूछने वाली थी, आपने इतने अच्छे से बताया। प्लीज गो जी। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है दैट हाउ प्रतिमा जी पूछना चाह रही हैं कि हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट कैंसर पेशेंट्स, मतलब आप क्या इसमें बोलना चाहोगे? एनी स्ट्रेस विल लीड टू बॉडी डिस्ट्रेस, पहला चीज। जब कोई जोर बढ़ता है तो आपको, जब टिपिकली जब आपको स्ट्रेस होती है तो क्या होता है, आपको अकड़ जाता है, बदन अकड़ जाता है, ये पूरा अकड़ जाता है आपका, तो नेक शोल्डर स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ती है तो आपको यहाँ पे एकदम एक वजन जैसा महसूस होता है। कभी कभी आपको शायद हल्का सा सरदर्द होगा, राइट। स्ट्रेस डज व्हाट स्ट्रेस डज इज इट गिव्स यू बॉडी एक्स, बॉडी पेन देता है, वो उसका मैनिफेस्टेशन है, स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन। तो जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको, और अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो आपको जो ऑलरेडी बॉडी की डिस्ट्रेस होती है, पैर में खिंचाव होता है, दर्द होते हैं आपको, अभी तो अभी सर्दियां तो कम हो गई, अभी थोड़ी गर्मी चालू हो गई है, लेकिन सर्दियों के टाइम में मेरे मिसेस को सुबह अगर उठती थी बेड से तो उनको 15 मिनट लगता था मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ना सब अकड़ जाती है ठंडी में। तो उनको पहले टिपिकली पहले टोस्ट खिलाओ, फिर ये अपना हाथ हिलाना चालू करो, धीरे 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 बॉडी में मूवमेंट लेके आके, फिर देन शी रोल्स एंड देन शी गेट्स अप। बट फॉर अ कैंसर पेशेंट दिस इज इन केस, अगर वो स्ट्रेस में है तो सरदर्द बहुत बढ़ जा सकता है, मैनिफेस्टेशन उसका कि आपको बैड हेडेक हो सकता है, आपके बॉडी के दर्द ज्यादा आपको महसूस होंगे, बॉडी पेन्स बढ़ जाएंगी आप। तो स्ट्रेस इज समथिंग दैट इन अ लाइफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप उससे जितना दूर रखें उतना अच्छा है। तो उसके लिए आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप थोड़ा फोकस्ड ब्रीदिंग कर लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राणायाम का अगर कोई कोर्स कोई आपको देता है या प्राणायाम आप सीखे हो तो उसको प्लीज आप इम्प्लीमेंट करें, रोजाना आप उसको करें तो आपको काफी हेल्प मदद मिलेगी उससे स्ट्रेस से हैंडल करने के लिए। और स्ट्रेस होना काफी नॉर्मल है, होता भी है ना, पर एक चीज वो स्ट्रेस का एक और कारण ये होता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपका कंडीशन, आपको स्ट्रेस क्यों होता है, या कोई स्ट्रेस देता है या आप लेते हो, दोनों में से एक है ना, लेन और देन दोनों हो रही है ना, तो आप उसको अपने तरीके से कम कीजिए, देना मत,
पर स्ट्रेस से आपका बॉडी डिस्टेंस बहुत बढ़ेगा, ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ। जी सर। आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुछ नहीं तो आप भगवान का नाम लीजिए ना, क्या है, कलयुग है वैसे भी, लोग ने कहा है कि कलयुग में राम नाम जपो और कुछ मत करो, तो it distracts your mind. I'm only saying that I'm very agitated. Suppose I start doing mantra jap, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Ram 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 करते रहो, तो मेरा ध्यान उसमें जाता है. The moment the mind goes into that, your mind is off the other problems. ये वेरी सिंपल नुस्खे हमारे ऋषि मुनियों ने काफी पहले बताया, हम लोग भूल गए हैं. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। प्रतिमा जी, मैं भी आपको बताना चाहूंगी, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, बिकॉज हम लोग भी यू नो डेली योगा सेशंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करे हैं, डेली मेडिटेशन सेशंस हैं, तो आप जरूर उसके उसमें भी आप पार्ट लीजिए। आपने जो नंबर शेयर करा है उस पर हम लोग मैं आपको इस सेशन के बाद डिटेल शेयर कर दूंगी, एंड मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूंगी कि मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दी है, तो आप ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए एंड आप नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार वर्बली भी बता रही हूँ, नंबर है 9993070900। तो आप लोग ये नंबर भी एक बार नोट डाउन करें, आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कैंसर केयर ऐप पे पूछ सकते हैं। एंड आपके लिए सर एक मैसेज भी है कि दिस इज शिवा, सेंट एंथनीज क्लासमेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अबाउट स्ट्रेस हैंडलिंग, वेरी यूजफुल। दीपक जी आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर सिद्धार्थ। नमस्कार दीपक जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप ठीक कैसे हो? बस ठीक है सर, मैं भी सेम आपके जैसे केयर गिवर हूं। बढ़िया सर। सर अभी आपने बोला ज़ोलैंड्रोनिक एसिड का साइड इफेक्ट आपकी वाइफ को ज्यादा है, हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? वेट गेन बहुत हो रही है और सर उससे नहीं होता, बहुत बड़ा हुआ है, उससे नहीं होता कभी भी? नहीं है, है उसका साइड इफेक्ट में है, मैंने पूछा भी इनको। मेरी वाइफ लास्ट 18 मंथ से ले रही है। ठीक है, वो उनको क्या हुआ है? में वजन उससे नहीं बढ़ रहा था, अभी जब ही कीमो स्टार्ट किया तो वजन बढ़ना चालू किया। इनको कीमो तो अभी नहीं है, अभी इनका अभी जो चल रहा है वो तो इनका मेरे मिसेस का तो टारगेटेड कीमो चल रहा है, गोली है। कौन सा टारगेटेड चल रहा है सर? इब्रुटिनिब। हां जी, इब्रुटिनिब। ओके, इब्रुविका जिसे कहते हैं, इब्रुविका, बराबर, हाँ वो दे रहे हैं। वो दिन में 3 टैबलेट है उनका, वो नियमित से लेना पड़ता है हर दिन सेम टाइम पे, दैट्स व्हाट दे से। बट आपके मिसेस को क्या हुआ इफ आई मे आस्क? में ब्रेस्ट कैंसर मेट्स हुआ है, स्प्रेड हुआ है। आपने सही बोला कि स्टेज 4 स्टेज 3 ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर ज्यादा ऑर्गन इफेक्ट हुआ है तो स्टेज 4 हो गया बस। आप पॉजिटिव हो और ये जैसे वो डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, ये गोली लेनी है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड चीज, आपने जो मुद्रा बोला, तो आपकी वाइफ कौन सी मुद्रा कर रही है? माने शी इज डन एन एंटायर प्रोग्राम ऑन मुद्रा थेरेपी। ठीक है, हाँ, तो नहीं, आप जो बोल रहे कि उनका शरीर जकड़ जा रहा है पूरा ठंडी के टाइम पर, तो उनको बोलिए सूर्य मुद्रा करें। नहीं नहीं नहीं, ये ठंडी में सिर्फ सुबह सुबह होती है। हाँ, वही वही सुबह सुबह होती, उसके लिए ही ये चीज है। हाँ, कौन सा मुद्रा बोला आपने? सूर्य मुद्रा। मैं उनको बताता हूँ, आई विल टेल देम। आई नो, देखिए ऐसा है कि अपना जो अंगूठा है, हाँ, अपने लास्ट फिंगर के ऐसे टच करना है, ऐसे करना है। ओके, इतना हीट क्रिएट होता है अपने बॉडी में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताऊंगा उनको डेफिनेटली। भी हमारे संत लोग होते हैं, हाँ, हिमालय में एक भी कपड़ा नहीं था उसके बॉडी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। अभी हमारे एक तरुण सागर जी महाराज थे, हाँ हाँ कारगिल में गए थे, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन वही वो बस सूर्य मुद्रा सूर्य मोहिनी में करना होता है, सवाल नहीं। हाँ मैं उनको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। वो मैं भी मुंबई से हूँ। अच्छा, नवी मुंबई बोल रहे हैं, आर्किटेक में गए होंगे आप, टाटा आर्किटेक करके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हैट्रिक। हाँ तो उनके डीन है सुदीप गुप्ता। हाँ मैक्सिमम सब डॉक्टर जो है उनको मेरे तो पहचान नहीं पहुंचे मैं तो। आपका ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? मेरा ट्रीटमेंट तो अभी पर्सनल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा न्यू हॉस्पिटल अभी, अच्छा किमवेड होम। माने नहीं, माने समझा नहीं, माने कीमो आप घर में दे रहे हो उनको? यस ओके, इट्स एट होम। वो क्या अभी भी आईवी लगाते हैं या ओरल हो गया? नहीं, हमारा पोर्ट के पोर्ट है, तो यहाँ से पोर्ट कीमो पोर्ट है। हाँ अच्छा, ठीक है। तो मॉर्निंग में डॉक्टर ने वो नर्स आती है, इंसर्ट कर दिया, 4 घंटे बाद में वो रिमूव करना है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, और डेली चलता है आपका? नहीं, वीकली वीकली। ओ अभी तक हमारा भी टारगेटेड चल रहा था, टारगेट फेल हुआ अभी। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, यो उस टारगेट थेरेपी था हमारा पाल्गोसाइक्लिन, उसके लिए लड़े हम लोग, इतना लड़े और प्राइस डाउन, वो इसका पेटेंट खत्म किया, अभी वो दवा काम नहीं कर रही हम लोग। जब हम लोग ले रहे थे 95,000 की थी, अभी 7,000 में है। बाप रे, ये इप्रूवी का भी जो हम लोग ले रहे हैं वो एक्चुअली अगर आप मेन वाला देखते हैं तो 4.5 लाख का था वो दवाई। बराबर। हाँ, अभी टाटा में वो लोग ने उसको कम करके 30,000 के बराबर किया था। वेरी गुड। फिर वापस उसका प्राइस अभी वापस डाउन हुआ है, पिछले 6 महीने पहले वापस डाउन हुआ है। अच्छा। तो उसका शायद अभी 20 के नीचे है। बराबर। तो हाँ, ये तो काफी फायदेमंद है, ये चीज हो रहे हैं। नहीं, लड़ना पड़ता है हम लोग को, इसके साथ में लड़ते, जब गवर्नमेंट के साथ में मगजमारी करते हैं तब जाकर ये सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में विवेक तोमर करके थे, उसकी वाइफ के लिए उसने लिटरली मिनिस्टर पीएम से लड़ाई की है उसने, और ट्रीटमेंट लाके रहे इंडिया में। ट्रीटमेंट तो है पर मिलता नहीं है ना अपने देश में, वो प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा है ना, सबको अफोर्डेबल नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। पर एक चीज मुझे वही उस बात में, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि टाटा का एक फायदा यह है कि आपको मेडिसिन काफी अफोर्डेबल मिलते हैं उनके फार्मेसी में। यस, दैट इज अ वेरी बिग, आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद पीपल दैट। लेकिन ये जो मेरी मेडिसिन थी टाटा में भी 95,000। हाँ, वो टाइम में वो शायद उतना होगा वो टाइम पे। नहीं, वो ही चीज हम लोग ने फिर कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। हाँ, 75,000 में करके दिया हम लोग। अरे बाप रे, वो 10 महीने लो, फिर बाद में फ्री हुआ, फ्री होने के बाद में दवाई काम नहीं रहेगी, ऐसा हो गया। बाकी जोलेंड्रोनिक एसिड जो है आप बता रहे ना, उसको आप अगर फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला से लोगे ना तो वेट गेन का खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। क्या है वो? ऐसा होता है, पहले आपको 500 ml एनएस चढ़ाना होता है जो है फाइटर को। हम लोग फाइटर बोलते हैं, हम लोग पेशेंट नहीं बोलते। ओके, पहले 500 ml देना है। वो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली 4 mg डाल देते हैं अंदर वो उसका। मेरे को मालूम है 4 mg 100 ml में डाल करके डायरेक्ट देते हैं, वो मालूम है मेरे को। हां, वो डॉक्टर अपनी खाई में रहते हैं बस। नहीं तो उसको पहले आप क्या बोलते हैं, 1/2 लीटर पहले सलाइन चढ़ाना, एनएस देना होता है, एनएस देने का। उसके बाद में 100 ml जो है उसमें ये जोलेंड्रोनिक देने का, उसके अंदर ही साथ साथ में आपको देना है ये पेंडी करके, वो जो आपके एंटासिड है वो देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। उसके बाद में फिर अगेन वापस 500 ml उसको एनएस दे। ओ अच्छा अच्छा, तो ओ ओके, तो ये तो इनको वो 100 ml में देके निकाल देते हैं, तो शायद दैट कुड बी द रीजन व्हाई। ओके, आई विल चेक, आई विल चेक। थैंक यू सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव मी, आई डिडंट नो दिस, थैंक यू। या अस्ता दीपक जी।
आई थिंक अगेन म्यूटेड। नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ। नहीं आपका म्यूट नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ये जो सिस्टम है ना, ये हम लोग ने खुद ने पूरा वो किया है, और अभी कितने लोग को फायदा हो रहा है उसमें। नहीं ये मैं आपसे कांटेक्ट करके फिर ये भी लिख लेता हूँ मैं एक बार अलग से। वो आस्था जी से मेरा नंबर ले लीजिए, हम लोग हाँ, ले ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बॉम्बे में कहाँ रहते हैं सर? आप बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में अंधेरी ईस्ट में। अच्छा ओके मैं खारघर में रहता हूँ। न्यू बॉम्बे किधर रहते हैं? खारघर। खारघर में। हाँ खारघर, इसलिए मैंने कहा मेरे घर से एकदम। वहाँ पर वो NRI कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अरे सीवुड्स में। ठीक है, कभी भी कुछ भी है आपको गाइडेंस चाहिए, हम लोग अंदर अंदर सब डिस्कस करते रहते हैं। नहीं मैं आई विल टेक योर कॉन्टेक्ट फ्रॉम मास्टर एंड आई विल गेट इन टच। थैंक यू आशा जी कनेक्ट करने के लिए। मैं तो नहीं सर, थैंक यू आपको। नहीं मैं नहीं सर, आप रोज मतलब हर सेशन में आप इतनी इन्फॉर्मेशन देते हो, इतना गाइडेंस यू नो देते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसलिए मैं आपको मैसेज करता हूँ कि आज है कि नहीं मीटिंग होते, अगर मीटिंग नहीं है तो दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरा 7:30 बजे दूसरा जूम मीटिंग है, वो US में है। ओके चलेगा। ओके जी सर। यस मैम एनीथिंग एल्स? ओके सर, ऑलरेडी हमारा ओके सो सेशन हमारा 6 o'clock तक था, आज डिले हो गया है काफी, बट इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, काफी यू नो इम्पोर्टेंट चीजें पता चली हैं, सो थैंक यू सो मच सर अपनी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए, इतनी चीजें शेयर करने के लिए। एंड मैं विश करती हूँ कि हम लोग फ्यूचर में भी यू नो कनेक्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टूडे। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर। थैंक यू। Thank you, sir.